सोमवार को लोकसभा में 3 बिल पेश किए गए। मंगलवार को उनमें से 1 बिल पास हो गया और बाकी 2 बिल कल यानी गुरुवार को पास हुए। सड़क पर किसान और संसद में नेता तीनों बिलों को लेकर हंगामा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हिना श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। आइए सबसे पहले जानते हैं ये तीनों बिल क्या हैं और इस पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। पहला बिल है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य मतलब कि सर्वधान और सुविधा बिल। दूसरा बिल है मूल्य अशोषण और कृषि सेवाओं पर किसान मतलब संरक्षण एवं सशक्तिकरण बिल। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। विरोध इन तीनों ही बिलों पर है। किसान और विपक्ष तो विरोध कर ही रहे थे। एनडीए सरकार के अकाली दल शिरोमणि से मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने तो मंत्री पद से इस्तीफा ही दे दिया। यह इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या हरसिमरत कौर का इस्तीफा एनडीए में फूट का इशारा है। सड़क के संसद तक किसान बिल पर हंगामा है। कुछ किसानों को सरकार का कृषि बिल नापसंद है। वो कहते हैं कि सरकार का कृषि बिल किसानों के हित में नहीं है। विपक्षी दलों की राय भी यही है और सरकार का भी जबरदस्त विरोध भी कर रहे हैं। इसके बावजूद 2 कृषि बिल गुरुवार यानी कल लोकसभा में पास हो गए और पहला लोकसभा में मंगलवार को पास हुआ। विरोध इतना कि हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा ही दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिल किसानों को मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा, इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम तो किसी का नहीं लिया लेकिन इतना तो कहा कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि MSP और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये बिल वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान करे, उन्हें सही मायने में मजबूत बनाएगा। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए प्रगति मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।